आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे कर्लमी क्रेजी चैनल पर। और आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ, जिसके अंदर हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के टाइम पर होने वाली छोटी मोटी प्रॉब्लम, सो उनका सोल्यूशन हम किस तरीके से है जो कि वो कर सकते हैं। जैसे जैसे मेरी प्रेगनेंसी हुई है, उसके अंदर जो जो भी दिक्कत आई है, मैंने उसको किस तरीके से सॉल्व किया, वो मैं आपके साथ है जो कि वो डिस्कस करूँगी। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उल्टी आना। प्रेगनेंसी के टाइम पर उल्टी आना एक आम बात होती है। उल्टी आना, कच्चा मन होना, या फिर किसी भी चीज़ को देखने का मन ना करना, तो ये प्रॉब्लम है जो कि वो मेरे साथ भी हुई हैं, एक्चुअली वो सभी लेडीज़ के साथ है जो कि वो होती हैं। तो मैं इस प्रॉब्लम को है जैसे कि किस तरीके से दूर करती थी, या तो मैं जैसे कि चटपटा खा लेती थी, जैसे कि मौसमी ले लिया मैंने, या फिर कोई मीठी चीज़ ले ली, और या फिर जैसे कि जो सौंफ होती है वो ले लिया, या फिर गुलकंद, इन सभी चीज़ों से ही मैं अपनी जैसे कि उल्टी की प्रॉब्लम को है जो कि वो ठीक करती थी। और इसके बाद यूरिन, जो जैसे कि हमारी प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम पर हमें यूरिन की प्रॉब्लम है जो कि वो ज़्यादा होती है, तो हमें जैसे कि जो यूरिन होता है, या किसी खांसने की वजह से या हंसने की वजह से भी है जैसे कि हमें यूरिन है जो कि वो आ जाता है। तो उससे प्रॉब्लम से मैं किस तरीके से बचती थी, जैसे कि मैं अपनी जो अंडरवेयर होती थी उसमें पैंटी लाइनर का यूज़ करती थी, जिसकी वजह से है जो कि मुझे इन्फेक्शन का डर भी नहीं रहता था, और मेरी ये प्रॉब्लम भी है जो कि वो इजीली सॉल्व हो जाती थी। और इसके बाद है जलन। जलन जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर होना एक आम बात होती है, तो उसको दूर करने के लिए भी मैंने जैसे कि अमरूद भी खाया, सौंफ भी खाई, और काफ़ी चीज़ें जिससे ठीक हो सके वो मैंने ट्राई किया, लेकिन फिर भी मेरा है जैसे कि ठीक नहीं हुई। तो फिर मैंने अपनी डाइट पर ध्यान दिया कि यह हो किस वजह से रही है। तो मैंने देखा कि जैसे कि जब मैं मेथी की रोटी खाती थी तो उसकी वजह से मुझे है जो कि ये प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने जैसे कि मेथी है जो कि रोटी जैसे कि आटे में डालकर बनाती थी, तो मैंने उस चीज़ को अवॉइड करके उसकी जगह पर मैंने उसकी सब्जी बनाकर खाना है जो कि वो शुरू कर दिया। सो फ्रेंड, इस तरीके से मैंने है जो कि वो अपनी डाइट में शामिल तो रखी, लेकिन उसकी जैसे कि उसका तरीका है जो कि वो चेंज कर दिया। इस तरीके से है जो कि वो मेरे लिए हेल्दी भी हो गई और मुझे इससे कोई नुकसान भी नहीं हुआ। और इस तरीके से मैंने अपनी डाइट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया, और साथ ही मैंने जैसे कि ज़्यादा तीखा हो गया, ज़्यादा मसाले वाली चीज़ों को है जो कि अवॉइड किया, और साथ ही जो बाहर का खाना होता है उसको भी मैंने कम या काफ़ी हद तक है जो कि वो बंद कर दिया। और इसके बाद है थकावट। थकावट हर एक लेडीज़ को है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पर थकावट है जो कि वो होती है, लेकिन सभी के अलग अलग समय पर है, जैसे कि किसी की किसी ट्राइमेस्टर में शुरू होती है तो किसी की किसी ट्राइमेस्टर में। तो इस तरीके से मैंने इस प्रॉब्लम को है जो कि सॉल्व करने के लिए, जैसे कि मैं थोड़ा सा काम करती थी, उसके बाद फिर रेस्ट करती थी, और जैसे हमारे घर में जैसे काफ़ी सारे रूम हैं, तो मैं ऐसे करती थी जैसे 2 रूम में मैंने लगा लिया झाड़ू या पोछा, उसके बाद फिर मैं आराम करती थी, फिर 2 में ऐसे करके धीरे धीरे करके मैं काम करती थी, और रेस्ट भी है जो कि वो बीच में लेती रहती थी, जिसकी वजह से मेरी बॉडी है जो कि वो ज़्यादा नहीं थकती थी और मैं रिलैक्स और अच्छा है जो कि वो फील करती थी। और इसके बाद बात करते हैं हम नींद ना आना। प्रेगनेंसी के टाइम पर यह है एक कॉमन सी समस्या होती है कि प्रेगनेंसी में हमें नींद नहीं आती, जैसे कि बार बार यूरिन आने की वजह से, या फिर हमें जैसे कि जब हम करवट लेते हैं तो हमारी आँख है जो कि वो खुल जाती है, और जिसकी वजह से हमारी नींद डिस्टर्बेंस हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने इसका जैसे कि पहले ही अपना ऐसा रूटीन बना रखा था, जैसे कि मैं टाइम पर सोती थी, टाइम पर उठती थी, और साथ ही जैसे कि सोने से पहले है जैसे कि या तो मेडिटेशन या फिर योग निंद्रा है जो कि वो कर लेती थी। उससे चाहे माइंड जैसे कि मेडिटेशन से शांत हो ना हो, पर नींद बहुत अच्छी आती थी। तो इसलिए आप भी ये वाला मेथड है जो कि वो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, और इससे आपको है जो कि रात में काफ़ी अच्छी नींद है जो कि वो आएगी, क्योंकि आपका माइंड है जो वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, और साथ ही आप है जैसे कि दिन में कोई थोड़े बहुत हल्के फुल्के व्यायाम है जो कि वो भी कर सकते हैं, इससे भी आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा फर्क है जो कि वो आ जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट आती है कॉन्स्टिट्यूशन की। सो फ्रेंड, जैसे कि हमारी प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर कब्ज होना भी एक आम प्रॉब्लम होती है। तो जब मुझे कब्ज होती थी तो उसे दूर करने के लिए मैं क्या करती थी, जैसे कि अपनी जो
डाइट होती थी उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देती थी, जैसे कि रोटी वगैरह है जो कि वो कम कर देती थी और जो सब्जी या दाल की क्वांटिटी होती थी उसको बढ़ा देती थी, और साथ ही में जैसे कि फ्रूट है जो कि वो ज़्यादा लेती थी, और साथ इसके साथ ही जो सीजनल फ्रूट हैं वो आपको है जो कि खाने चाहिए, और जो फाइबर वाली चीज़ें थी वो भी मैं ऐड कर लेती थी, और साथ ही जैसे कि दलिया हो गया, ओट्स हो गए, ये वाली चीज़ें हैं जो कि इसके मतलब अपनी डाइट में शामिल कर लेती थी, जिसकी वजह से मुझे है जो कि कब्ज़ की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक है जो कि नहीं होती थी। और इसके बाद बात करते हैं हम कमर दर्द की। कमर दर्द होना जैसे कि हम या तो ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं या फिर ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर है जो कि कमर दर्द या फिर और भी कोई जैसे कि दर्द है जो कि वो हो जाता है, तो इसलिए हमें जैसे कि मैं वो सभी चीज़ें हैं जो कि अवॉइड करती थी, और साथ ही जैसे कि जो बैक पेन होता है उसके रिलैक्स के लिए है जो कि एक्सरसाइज वगैरह कर लेती थी थोड़ी बहुत ही, और साथ ही रात में अपनी बॉडी की अच्छे से मसाज करती, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी रिलैक्स मिलता था और मेरी बॉडी है जो कि वो रिलैक्स फील करती थी। और नेक्स्ट है स्वेलिंग। जैसे कि हमारी प्रेगनेंसी में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो कि वो हो जाती है, जैसे कि स्वेलिंग की प्रॉब्लम। स्वेलिंग से बचने के लिए मैं अपने पैरों की अच्छे से मसाज करती थी, रात को सोने से पहले अपने मतलब पाँव की भी अच्छे से मसाज करती थी और बॉडी की भी अच्छे से है जो कि वो मसाज करती थी, और साथ ही मैं अपने जैसे कि कम्फर्टेबल जो कपड़े हैं वो डालती थी, और जैसे कि जो पाँव में है वो भी अपने फ्लैट, और जो जैसे कि जो भी चप्पल वगैरह डालनी या शूज़ डालने वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं और साथ ही कंफर्टेबल भी होते हैं, और साथ ही मैं अपने पाँव को जैसे कि विंटर आ चुकी है तो विंटर में बचाने के लिए गर्म सॉक्स है जो कि वो डालती हूँ, और जो शूज़ हैं वो भी डाल कर रखती हूँ ताकि मेरे पैरों को है जो कि वो ठंड ना लगे। और इसके बाद होती है बीपी की प्रॉब्लम। बीपी की प्रॉब्लम जैसे घटना या बढ़ना भी एक आम प्रॉब्लम ही होती है, तो इससे बचने के लिए मैं जैसे कि जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज थी वो करती थी डेली, जिसकी वजह से मुझे जैसे कि जो बीपी की प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल ना के बराबर है जो कि वो होती। इसके बाद इचिंग की बारी आती है। इसको दूर करने के लिए जैसे कि मैं जैसे नहाते वक्त ज़्यादा गर्म पानी का यूज़ नहीं करती थी, बिल्कुल नॉर्मल गुनगुना पानी होता है उससे नहाती थी, और नहाने के बाद अपने बॉडी को अच्छे से टावल से वॉश करने के बाद जो जैसे कोकोनट का ऑयल है उससे अपनी बॉडी पर पूरे पे मतलब अच्छे से लगा लेती थी, और जैसे ही मुझे लगता था कि दिन में मेरी स्किन ड्राई हो चुकी है तो मैं दिन में दो बार इसको है जो कि वो लगा लेती थी, जिसकी वजह से मुझे इचिंग की प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक नहीं होती थी। और साथ ही जैसे कि जो विंटर होती है, विंटर के टाइम पर हमें जैसे कि जो ऊनी कपड़े होते हैं उनकी वजह से भी है जो कि इचिंग हो जाती है, तो उससे बचने के लिए मैं जैसे कि नीचे अपने जो कॉटन के अंडरवेयर होते हैं, शर्ट होती है, उन सभी चीज़ों का यूज़ करती थी, जिसकी वजह से मुझे है जो कि इचिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। अगर फिर भी जैसे कि अगर आप भी ये वाला टिप है जो कि फॉलो करते हो और अगर फिर भी आपकी इचिंग की प्रॉब्लम है जो कि वो दूर नहीं हो रही है, तो आप एक बार लीवर का टेस्ट है जो कि ज़रूर करा लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये लीवर की मतलब जो डिजीज़ होती है उसकी वजह से भी हमें इचिंग की प्रॉब्लम है जो कि वो हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी बातें जो कि मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है कि मैं अपनी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम को है जो कि किस तरीके से है जो कि वो सॉल्व करती थी, और वो भी बिना मेडिसिन लिए बिल्कुल घरेलू उपचार से अपना ट्रीटमेंट है जो कि वो अच्छे से करती थी, और इस तरीके से जो मेरी प्रेगनेंसी है वो काफ़ी अच्छी और हेल्दी है। अगर आप भी अपनी प्रेगनेंसी को और भी ज़्यादा हैप्पी एंड हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप भी ये वाले टिप है जो कि ज़रूर फॉलो कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।